नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने डेली के राशिफल में। कल दिन रहेगा सोमवार का और तारीख रहेगी 26 मार्च 2018। राहु काल रहेगा 7:30 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक। हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि इस बीच कोई शुभ कार्य मत कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सप्ताह का राशिफल मैं आपको दे चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा। मेष राशि की बात करूंगा तो जो काम अटके हुए थे वो कल पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं से अचानक धन लाभ के भी संकेत कल मिल रहे हैं। कुल मिलाकर दिन काफी बढ़िया है, अच्छे से इसको जो है व्यतीत कीजिएगा। कल काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। वृषभ राशि की बात करूं तो हार्डवर्क जो भी कल करेंगे उससे आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। सफलता मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे पूरे दिन और जितने भी आपके काम हैं कल उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और रुके हुए काम आपके जो थे उसमें आपको गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर दिन ऑफिस में भी अच्छा है और पर्सनल लाइफ में भी कल अच्छा रहेगा। मिथुन की बात कर लूं तो काफी डिटर्मिनेंट आप कल दिखाई दे रहे हैं और काम में जुटते हुए कल आप दिखाई दे रहे हैं। कल अपने कार्य कुशलता से काम को आप पहले ही निपटा लेंगे, यानी कि एडवांस में करके रखेंगे अपने काम को, जिससे आपके जो बॉस हैं वो आपसे कल खुश रहेंगे। और लेकिन कल शाम को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं। कुल मिलाकर दिन ठीक है, खर्चे होते हुए कल दिखाई दे रहे हैं बस। धन कर्क की बात कर लूं, कर्क राशि की अगर बात कर लूं तो शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन होते हुए भी कल आपको दिखाई देंगे। फाइनेंशियल जो फील्ड रहेगा आपका वो काफी अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप किसी को लोन देने जा रहे हैं कल, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सचेत करना चाहूंगा कि धन धन के मामलों में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों फिर से याद दिलाता हूँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सिंह राशि की बात कर लेता हूं, कल आपका जो मोराल है वो काफी बूस्ट रहेगा, दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। लेकिन किसी भी तरह की किसी की बातों कानों सुनी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। अपने दिमाग अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। वहीं धन और गुडविल जो है आपकी बढ़ती हुई कल दिखाई देगी। कन्या राशि की बात कर लूं तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको कल किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात हो सकती है और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में उनको फायदा हो सकता है। जीवन के नए उद्देश्य सेट करने की योजना आप बना सकते हैं और जिस भी पद पर आप हैं, जिस डेजिग्नेशन पर भी आप हैं, उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं तुला की अगर बात करूं तो जो प्रॉब्लम्स एक दो दिन से आपकी चल रही थी आर्थिक आर्थिक पक्ष को लेके, वो आपकी अब सुधरती हुई दिखाई देंगी और जो लोग जिनसे छोटी मोटी गलतियां हो गई थी आप थोड़े से मैच्योर डिसीजन लेते हुए कल दिखाई देंगे और उनकी गलतियों को माफ करते हुए कल आप दिखाई देंगे। वहीं व्यवहार जो रहेगा आपका वो काफी बढ़िया रहेगा, काइंड रहेगा और योजना को आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। वृश्चिक राशि की बात कर लेता हूं, समय बर्बाद थोड़ा सा करते दिखाई दे रहे हैं फालतू की बातों में। हालांकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने का भी योग है और कहीं पर अगर वाहन इत्यादि खरीदने को का मन बना रहे थे तो उसकी योजना का लाभ बना सकते हैं। कार्यालय में यानी कि कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स आपको हेल्प करते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं तो अपने जो आपके आपके आदर्श हैं, जिन टाइम टेबल या जिन चीजों को आप फॉलो करते हैं आप उन पर अडिग रहेंगे। इससे कई लोग कल आपके असहज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की जरूरत रहेगी धनु राशि वालों को, जिससे किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट कल ना हो। और वहीं पे हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की मैं आपको राय दूंगा कि सचेत रहें। वहीं मकर राशि की बात करूं तो तनावपूर्ण स्थिति जो थी वो आज जो थोड़ी हॉट टॉक्स आपकी अपने घर वालों से हुई थी वो कल आपकी जो है नहीं होगी। कल नया सवेरा होगा, नई चीजें आपके साथ होंगी और जो आर्गुमेंट्स आज आपके हुए वो आर्गुमेंट्स
कल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कल इमोशनल रहेंगे, कुछ अपनी गलतियों का भी एहसास होगा, लव मैटर्स में भी जो गलतियां आपने की हैं उनका एहसास आपको होगा, तो कुल मिलाकर दिन थोड़ा पछतावा करने वाला है। कोई बुरी बात नहीं है अगर आप गलती करते हैं और आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुंभ राशि की बात करूं तो थोड़ा सा आर्थिक क्षेत्र पे थोड़ा सा कल ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो बहुत ध्यान से बहुत समझ के कहीं पे साइन करें और किसी भी तरह की कोई झूठी गवाही इत्यादि ना दें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पढ़ सकते हैं। कोई भी कागज का साइन करने से पहले दो बार पढ़ लें उसको, उसके बाद ही उसके सभी प्रो एंड कॉन्स को देख लें, गुण और अवगुण को देख लें। मीन राशि की बात कर लेते हैं तो प्रेम के मामले में दिन काफी अच्छा है, कुछ उपहार इत्यादि आप अपने प्रेमी को दे सकते हैं। वहीं जो आपका वर्क है वो प्रेशराइज आपको कर सकता है अधिक कार्य करने के लिए, अधिकारी से भी कल आपकी थोड़ी सी जो है मीठी सी एक कहूंगा आर्गुमेंट आपकी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर दिन जो है वो अच्छा है, तनाव जो है शाम होते होते तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों 26 मार्च 2018 का ये था एक छोटा सा अवलोकन जो बहुत ही जनरलाइज था। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी निश्चित फीस आपको देनी होगी। एनालिसिस आर पेड, 2 दिन का समय आपको हमें देना होगा, उसके बाद हम आपको बता देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मुलाकात आपसे फिर होगी। कुछ नई पामिस्ट्री की वीडियोज में बनाना चाह रहा हूँ, जल्दी बनाकर आपको दूंगा, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। इसी के साथ साथ CL टैग को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो मेरा टेक्नोलॉजी का चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मुलाकात होती है।